हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहु। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो वी कैन सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। आपको जो शो करके बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है वो क्या बताना है, आर कोलिनियर। सबसे पहले कोलिनियर का मतलब समझ लेते हैं। कोलिनियर मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो क्या है, एक ही लाइन में गिवन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ओके, आपको ये प्रूव करके बताना है। तो यदि अपन देखा जाए तो कोलिनियर में देखा जाए, यदि पॉइंट्स यदि एक ही लाइन में होते हैं तो वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता ही नहीं है। ओके, तो वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जीरो। तो अपन जब इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फाइंड करेंगे, यदि अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आता है तो क्या हो जाएगा, ये शो तीनों पॉइंट्स क्या शो हो जाएंगे, कोलिनियर। ओके, तो यहां पर अपन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ए क्या है, ए बी प्लस सी, देन बी पॉइंट आपको क्या गिवन है, बी सी प्लस ए, देन आपको सी पॉइंट क्या गिवन है, सी ए प्लस बी, ये आपको गिवन। ओके, तो फर्स्ट वर्टाइज इज एक्स वन वाई वन, सेकंड वर्टाइज इज एक्स टू वाई टू, थर्ड वर्टाइज इज एक्स थ्री वाई थ्री। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, देन वन वन वन। ओके, ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब देखिएगा, हाफ यहां पर आप देखोगे एक्स वन वाई वन, तो व्हाट इज एक्स वन वाई वन, a b plus c, what is x2 y2, b c plus a, then what is x3 y3, c a plus b, then 1 1 1, okay, then half determinant of this, okay। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर थ्री रोस एंड थ्री कॉलम्स है, आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से फाइंड कर दिया जाए तो हमेशा उसका इवेल्यूशन क्या आता है, सेम आता है। तो अपन देखेंगे यहां पर कि इसका जो आप देखेंगे जब आप सॉल्व इसको करेंगे तो आप किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व कर सकते। तो अपन यहां पर अभी कॉलम वन से करते हैं इसका इवेल्युएशन। ओके, तो यहां पर अपन देखेंगे सबसे पहले कॉलम वन से करना है। तो कॉलम वन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए के लिए करेंगे तो इसको इसको क्या होना करना पड़ेगा, छुपाना होगा। तो आप देखोगे यहां पर ए के लिए कर रहे हैं तो सी प्लस ए बन जा, सी प्लस ए माइनस वन इंटू ए प्लस बी, ब्रेकेट में ए प्लस बी लिख दीजिए क्योंकि बाहर क्या है माइनस, फिर ब्रेकेट लगा दीजिए। आफ्टर दैट ए के बाद में क्या आ रहा है, बी, सेकंड वाले टर्म को हमेशा कायम में लेना है, माइनस बी। ओके, माइनस बी ले लिया, फिर बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपाना होगा। तो बी प्लस सी बन जा, बी प्लस सी, देन ए प्लस बी बन जा, ए प्लस बी, बट माइनस में लिखने के बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, तो बी के लिए हो चुका, आप सी की बारी है, अब सी लिखो पॉजिटिव सी, सी के लिए आपको थर्ड रो और थर्ड कॉलम को क्या, फर्स्ट रो और थर्ड को, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आपको क्या करना होगा, छुपाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बी प्लस सी बन जा, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए बन जा, सी प्लस ए। ओके, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए हाफ, आप देखोगे ए ब्रैकेट में सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस इनटू दिस ब्रैकेट माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, अब माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर ये माइनस बी लिखा हुआ है, फिर बॉक्स में बी प्लस सी का बी प्लस सी लिख दीजिए, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। ओके, यहां पर ये आपने देखा यहां पर, अब देखिएगा यहां पर, अब देखेंगे यहां पर क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके, जब आपने दो सेकंड यहाँ पर, अब जब बी के लिए आपने सॉल्व करा था तो बी के लिए इसको इसको एक्स के ऊपर बी प्लस सी बन जा ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी आएगा। ओके, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, प्लस, फिर आप देखोगे सी का सी लिखा हुआ है, फिर आप देखोगे यहाँ पर बी प्लस सी, माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप, फिर यहाँ पर आप जब देखेंगे आगे तो यहाँ पर आप देखोगे हाफ ब्रैकेट में ए से ए कैंसल आउट हो चुका है, यहां पर बी से बी कैंसल आउट हो चुका है, यहां से सी कैंसल आउट हो चुका है, तो यहां पर देखोगे ए इंटू सी ए सी, ए इंटू बी ए बी, माइनस में ए बी। ओके, फिर माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी माइनस बी इंटू माइनस ए, मतलब ये प्लस ए बी हो जाएगा। ओके, फिर सी इंटू बी आप देखोगे सी बी, सी इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए सी, माइनस ए सी हो चुका है। तो ए सी से ए सी कैंसल आउट, ए बी से ए बी कैंसल आउट, बी सी से बी सी कैंसल आउट, तो आप देखोगे हाफ मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहां पर आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाए तो मतलब वो जो पॉइंट है वो क्या है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिस पॉइंट आर कोलिनियर, these points are collinear, co linear, okay।
तो कोलिनियर की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट करना होता है। एरिया ऑफ ट्रेंगल यदि जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।